सिंह नेताजी जी, आपके जिला के प्रधान भाई श्याम सुंदर सब्रवाल जी, लेट हो गया। पहले मैंने अधिकारियों की मीटिंग में, मेरे जो हमारे लेबर डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों की मीटिंग बुलाई हुई थी गेस्ट हाउस में, तो उनसे तो अभी मैं चर्चा करूंगा। यहाँ हमारे आज पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव और मेरी जिम्मेवारी लगाई थी कि जो UNLV के जो चुनाव होने जा रहे हैं उस चुनाव के लिए आप जा करके अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से विचार विमर्श करें कि किस वार्ड में कौन मजबूत है, किस पार्टी किस जाति के किस में वोट कितने हैं, तो इस प्रकार के जो विचार विमर्श करने थे, कौन सा वार्ड रिजर्व है, कौन सा बैकवर्ड का है, कौन सा महिला का, तो इस प्रकार की चर्चा करने के लिए आज हम हमारे कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने। क्या ये निकाय चुनाव पिछली बार के, ये हाईकमान का जो फैसला होगा, दोनों पार्टी के जो हमारे नेता हैं उनका बैठ के जो भी फैसला होगा वो करेंगे। चलो, एक अजय जी, अजय सिंह चौटाला जी जब जेल गए थे जी, जब भी वो पैरोल पे आते थे तो वो अपने साथियों से संगठन मजबूत करने की हमेशा बात करते थे जी, और हमेशा ही चाहे उनको 2 दिन का समय मिलता था, चाहे 4 दिन का समय मिलता था, चाहे 15 दिन का समय, वो इसी तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके उनसे विचार विमर्श करते थे और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कहते थे। तो आज भी बिल्कुल वो एक तरह से रिहा हो गए हैं और पूरी मतलब उनकी जो संगठन को जोड़ने की बात है उनका हमेशा से ये दे रहा है, हमारा संगठन मजबूत रहे और हमारे जो साथियों से जुड़े हुए हैं वो लगातार उनसे प्रयासरत ही रहे कि उनकी जो समस्या है उनका समाधान करने का। अधिकारी की जहाँ तक बात है, हमने 75% जो प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार देने का जो बिल लेकर के आए थे, नोटिफिकेशन भी हुआ था, तो किसी कारण कोर्ट में वो लेके सभी साथियों से विचार विमर्श चल रहे हैं। हमारे जो फैक्ट्री वाले हैं वो भी हमारे हैं, युवा है वो भी हमारे हैं, तो सबसे उनको संतुष्ट करके, और सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार की सुनवाई है तो शुक्रवार को शुक्रवार को शायद हो सकता है हम ये उम्मीद रखेंगे कि वो स्टे टूट जाए। और जो जो बेरोजगारी की जो बात है, 75% जो प्राइवेट सेक्टर में है जो हमारे युवाओं को रोजगार मिले। सर, सबसे पहले तो केंद्र कमी थी, बिल्कुल अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन गया था और पूरी तरह से पैरवी की गई थी। तुषार मेहता बहुत सीनियर एडवोकेट है जी, उन्होंने वो केस की जो पैरवी की थी और अभी भी तुषार मेहता वो सुप्रीम कोर्ट में। लगातार भर्तियों की बात कर ले, भर्तियां लगातार जो है या तो रद्द हो रही है या उसमें कोई ना कोई दिक्कतें आ रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अगर कोई खामियां हैं तो वो रद्द हो रही हैं और भर्तियां हो भी रही हैं, ऐसी बात नहीं है भर्तियां नहीं हो रही, रिजल्ट भी आउट हो रहे हैं और हमारे जो पीछे जितनी भी भर्तियां थी कम से कम जो जिस तरीके से सामने आ रही है दिक्कतें सामने आई है सारी तो रद्द नहीं हुई जी। जो खामियां हैं वो अगर सरकार को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को कोई खामी नजर आ जाती है वो तो रद्द कर देते हैं। एक जो रजिस्ट्री घोटाले की बात है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि अब भी जो कल परसों भी आपकी तरफ से जो आई थी बात, आखिर रजिस्ट्रियाँ जो है बिना NOC के प्रदेश में हुई है। विपक्ष का काम आलोचना करना है, अगर कोई इस प्रकार की बाकायदगी होती है तो उन अधिकारियों के चाहे कर्मचारी हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे।